और सीसीएल रजप्पा के आवासीय कॉलोनी के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाकर आशीष मनर्जी नामक एक सीसीएल कर्मी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल सीसीएल कर्मी को सदर अस्पताल रामगढ़ में भर्ती करवाया गया, वहां प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया। रजप्पा पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। आपको बता दें कि सीसीएल कर्मी को गोली मारी गई है और उसके बाद पीड़ित को रांची रेफर भी किया गया है। और आपको बता दें कि यह बड़ी खबर जिसमें पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। रजप्पा से पूरी खबर, जहां पर अज्ञात अपराध कर्मियों ने सीसीएल कर्मी पर गोली चला दी है। तो देखिए, बड़ी खबर आप न्यूज 11 भारत में सबसे पहले देख रहे हैं, जहां पर गोली चलाई गई है और गोली की तस्वीरें भी आप सीधे देख सकते हैं। तो देखिए, पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर जांच में पुलिस जुट गई है। तो देखिए, बड़ी खबर रजप्पा से, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रांची भेजा गया है, रेफर किया गया है पीड़ित को। तो देखिए, सीसीएल वासी प्रोजेक्ट कर्मी गंभीर रूप से इस गोली कांड में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि अज्ञात कर्मियों ने गोली चलाई है, जिसके बाद और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजप्पा से फिरोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, क्यों गोली चलाई गई और जो गोली चलाए हैं उनकी अभी तक पहचान हो पाई है क्या? जी दीपक, भी बता दूं कि रजप्पा के आवासीय कॉलोनी ए टाइप में आशीष बनर्जी को गोली मारी गई। ये द्वितीय पाली में अपने काम के सिलसिले में यहाँ से जा रहे थे। इसी क्रम में एक सुनसान इलाका पड़ता है, वहाँ पीछे साइड, वहाँ पे इनको गोली मारी गई है। दो गोली लगी है इनको और इनको सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर किया गया है, लेकिन शायद इनके परिजन इनको मेदांता अस्पताल ले जा रहे हैं। ये दीपक, बता दूं कि यहाँ पे करीब 6-7 महीना पहले भी एक सीसीएल कर्मी की, जो मजदूर नेता थे, उनकी यहाँ पे गोली मार करके हत्या की गई थी। तेज धार से, हथियार से भी उसका गला रेता गया था और हत्या की गई थी। उसके बाद ये 6 महीने के अंदर दूसरी घटना है, जिससे सीसीएल में जो यहाँ पे है, दहशत का माहौल है लोगों पे। हालांकि एसडीपीओ रामगढ़ किशोर कुमार रजक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हैं, साथ ही थाना पर रजप्पा थाना के थाना प्रभारी यहाँ पे मौजूद है, साथ ही गोला थाना के भी थाना प्रभारी को यहाँ बुलाया गया है और पुलिस काफी तत्परता से यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है। जी दीपक, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया फिरोज आपका। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि तमाम जो वहाँ पे पुलिस कर्मी हैं पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।